दोस्तों फाइनली ये है 2021 CT 110X यानी CT 110, जो कि लेटेस्ट लॉन्च बाइक है बजाज की तरफ से। इसको एक नए अवतार में पेश किया है हमारे इंडियन मार्केट में बजाज ने, जहां पे अब इसको ज़्यादा रगेड, टफर और शानदार लुक के साथ पेश किया है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CT 110X 2021 एडिशन के बारे में कि यहाँ पे आपको चेंजेस क्या मिलते हैं, क्या ये फीचर्स अपने साथ बाइक लेके आती है, प्राइस इसकी क्या है, माइलेज क्या है, और इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो आप कम्प्लीटली वॉच कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नया कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। नाम आप देख रहे हैं जेन्युइन ऑडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले अगर आप फ्रंट से लुक डालेंगे, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फ्रंट से थोड़ा चेंज मिलेगा इसके हेडलैम्प में। बाकी टैंक पे आपको सेम वही CT 100 की ब्रांडिंग मिल जाती है वाइट कलर में, रेड और वाइट थोड़े ग्रे स्ट्राइप्स के साथ ही आपको मिलता है। पीछे देखेंगे तो आपको जो रैक है उसमें चेंज मिलेगा और जो टेल लैंप है बल्ब भी मिलती है। साइड इंडिकेटर्स इसके आगे और पीछे दोनों आपको बल्ब मिलेंगे। वन पीस यानी सिंगल पीस सीट मिलती है। फ्रंट से लुक डाली अगर इसके हेडलैम्प पे, तो यहाँ पे आपको एक LED DRL मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड है जो कि इसकी विंड स्क्रीन में, और इसका जो हेडलैम्प है वो हैलोजन है, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है छोटे छोटे स्ट्राइप्स की जो कि आपकी मेटल की हैं। और जो अलॉय व्हील है फ्रंट में दोस्तों, वो 17 इंच का है और टायर प्रोफाइल है 2.75 की। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट में सस्पेंशन की, तो यहाँ पे सस्पेंशन आपको बढ़िया मिलता है। जो सस्पेंशन है वो है आपका हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि 125 मिलीमीटर के ट्रैवल के साथ आता है, और प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है एक रबड़ की उसी के ऊपर, जो कि धूल मिट्टी जाने से बचाएगी, और ऐसा ज़्यादातर ऑफ रोडिंग बाइक में देखने को मिलता है। टैंक पैड देख सकते हैं, टैंक पे ब्लैक कलर में मिल जाता है। साइड पैनल्स पे आपको मिल जाती है 110X की ब्रांडिंग विद वाइट और रेड स्ट्राइप्स। पीछे का जो सस्पेंशन है दोस्तों, वो आपको स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। और टायर प्रोफाइल की बात करूँ रेयर में, तो 3.017 इंच के टायर प्रोफाइल के साथ ये बाइक आपकी आती है। पीछे से जो आपके रैक्स हैं और जो मटेरियल यूज़ किया है वो ज़्यादा थिकर इसमें किया गया है, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। और राइट साइड में भी आप देख सकते हैं, आपका जो फुट पेग के पास है वहाँ पे कैरी रैक्स आपको दिए गए हैं, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। रेयर से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चेंजेस हुए हैं इसके माउंट में, तो यहाँ पे आप जो है 7 kg तक का वेट लेके आराम से जा सकते हैं। तो ये है इसका टायर, जो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग टायर भी लग रहा है। इसमें जो स्पाइक्स हैं वो थोड़ी बड़ी दी गई हैं, अब जिसकी वजह से ये है कि ये जो आपके टायर्स की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और मड वगैरह में तो आराम से इसको आप लेके जा सकते हैं, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ चलिए अब हम इसके बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे 115cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया हुआ है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 8.6 PS की एट 7000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 9.81 Nm की एट 5000 RPM। 4 स्पीड का ट्रांसमिशन यहाँ पर मिलेगा आपको। चलिए बात करते हैं इसके स्विचेस की। तो टैंक पैड आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, तो स्विच यहाँ पे है आपका, देख सकते हैं जैसा कि अदर बाइक्स में आता है। प्लेटिना सिटी 100 में आपको यहाँ पे मिल जाता है पर्टिपर स्विच, ऊपर पास स्विच, यहाँ पे टर्न सिग्नल इंडिकेटर और हॉर्न स्विच मिलती है। एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर एनालॉग में और फ्यूल इंडिकेटर एनालॉग में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं। और ये है आपका राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है DRL हेडलैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए, और उसी के नीचे एक इंजन स्टार्ट बटन यानी सेल्फ स्टार्ट बटन, तो ये बाइक जो है आपकी सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है। यहाँ पे जो इसका टायर है दोस्तों, वो ट्यूबलेस टायर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ट्यूब टायर दिए हुए हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं बाद में, तो इंस्टॉल करा सकते हैं ट्यूबलेस टायर अगर आप चाहें तो। अगर अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे देखिए आपको लेंथ मिलती है 1998 mm की, विड्थ मिलती है 753 mm की, और हाइट मिलती है 1098 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ आपको ऑप्टिमम मिलता है, जो कि है 170 mm का एवरेज। यह बाइक काफ़ी अच्छी एवरेज दे देगी, और 80-90 का एवरेज आराम से ये आपको बाइक दे देगी। बहुत लोग क्लेम करते हैं 90 तक का भी एवरेज, ये आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। व्हील बेस है 1285 mm का। इस बाइक की प्राइसिंग की बात करो तो एक्स शोरूम प्राइस ये मिलती है 55,494 रुपये में, यानी इतने में आपको ये बाइक जो है एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपके सिटी एरिया के हिसाब से ऑन रोड प्राइस वैरी करती है। तो RTO वगैरह में के जो टैक्सेस होते हैं वो लगते हैं, और उसी के साथ इंश्योरेंस भी आपका रहता है।
ये आपकी बाइक जो है कार्बोरेटर के साथ आती है, इसलिए आपको जो स्विच है आपके फ्यूल का वो आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन नहीं है तो आप कम पेट्रोल में भी इस बाइक को चला सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप गांधी ऑटो सेल्स में विजिट करना चाहते हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, तो नीचे संपर्क कर सकते हैं नंबर से। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप बिलोंग करते हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से तो गांधी ऑटो सेल्स पे विजिट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और नंबर मिल जाएगा। EMI, डाउन पेमेंट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।